Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Environmental Issue. Today we are going to talk about one very important concept, that is greenhouse effect. Alright, now to begin with, the sunlight which is trying to come towards our planet Earth, clouds and gases reflect 1/4 of this sunlight and they absorb very little of this sunlight. Yani jo sunlight hamare planet Earth par aa raha hai, क्लाउड्स और गैसेस क्या करते हैं ना, 1/4 ऑफ दिस सनलाइट यानी 25% ऑफ दिस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और थोड़ा बहुत सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बाकी बचा खाली आधा सनलाइट ही हमारे अर्थ तक पहुंच सकता है. यानी ओनली हाफ ऑफ दिस सनलाइट रीचेस अवर प्लैनेट अर्थ. नेक्स्ट, अब ये सनलाइट जो हमारे प्लैनेट अर्थ पे आया है, ये सनलाइट के टोटल 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं. Okay, there is this visible component which is nothing but 7 colors, that is vibgyor. Vibgyor ka full form quickly: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Ab wo light jiska wavelength violet se kam hai, that is ultraviolet, aur jiska wavelength red se zyada hai wo hai infrared. Infrared. So ab jo sunlight earth pe aa raha hai, us sunlight ke 3 component hai: UV rays, visible light और infrared. इसमें से UV rays को तो ozone layer absorb कर लेता है. So ozone layer जो हमारे earth के आजू बाजू में ozone का जो covering है, जो oxygen का बना है, वो ozone क्या करता है ना, ultraviolet rays को absorb कर लेता है और इन ultraviolet rays को earth तक पहुंचने नहीं देता है. So अब हमारे earth में दो component ज्यादातर आता है, visible light and infrared rays. Visible light is used up by plants for the process of photosynthesis. P for plants, P for photosynthesis. और infrared rays जो हमारे earth पे आ रहा है, normally कैसा होता है ना, infrared rays earth पे आता है और earth surface से टकराने के बाद reflect होके again it is returned to the outer space. But अगर हमारे earth के अंदर कुछ gases हैं, जिनको हम बोलते हैं greenhouse gases, जैसे कि methane, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सीएफसी, क्लोरो फ्लोरो कार्बन. सो बात ऐसी है कि नॉर्मली ये हमारा अर्थ, इंफ्रारेड रेस आते हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस से दे रिटर्न टू द आउटर स्पेस. बट अगर हमारे अर्थ के अंदर जैसे गैसेस है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, तो ये गैसेस क्या करते हैं ना, रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस हीट को वापस से अंतरिक्ष में जाने नहीं देते हैं. इसके वजह से हमारे अर्थ का अंदरूनी टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और ये टेम्परेचर की जो बढ़ोतरी होती है उसको हम लोग कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग. सो दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दीज गैसेस विच एब्जॉर्ब द रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेस एंड दे एमिट रेडिएशन एंड हीट सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. अब बात ऐसी है कि अगर ये गैसेस बिल्कुल भी ना होते, यानी अगर ये गैसेस जरा भी नहीं है, तो जितना भी इंफ्रारेड रेज आया है वो रिफ्लेक्ट होके चले जाता, यानी अर्थ का सारा हीट चले जाता रिफ्लेक्ट होके. सो इसके वजह से अपने अर्थ का टेम्परेचर वुड हैव बीन एक्सट्रीमली चिली, बहुत ठंड पड़ जाती और वो टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस. सो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट जरा भी नहीं हो रहा है, यू सी अ क्रॉस साइन, जरा भी नहीं हो रहा है, तो अर्थ का टेम्परेचर हो जाता -18 डिग्री सेल्सियस. अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ताकि ये गैसेस बहुत सारे हैं और ये गैसेस क्या कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेस को पकड़ के रख रहे हैं, हीट को पकड़ के रख रहे हैं, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा और उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. यानी अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हुआ तो अर्थ बहुत ठंडा, बहुत ही ज्यादा हुआ तो अर्थ बहुत ही ज्यादा गर्म. इसीलिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज तौर पे होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, सो दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस. आई रिपीट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस. मूविंग ऑन, अब क्योंकि ये इफेक्ट हो रहा है, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैसेस. ओके, अब ये पूरे के पूरे ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन अकेला 20% कंट्रीब्यूट करता है,
कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट 60%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंट्रीब्यूशन इज 14% टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। ये बाय हार्ट करके रखना। अब ये जो पूरा का पूरा इफेक्ट हो रहा है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। सो व्हाई द नेम इज ग्रीन हाउस? हाउस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ग्लास हाउस। और ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ वेजिटेशन एंड द क्रॉप्स ड्यूरिंग विंटर। वेस्टर्न कंट्री में कैसा होता है ना, विंटर के टाइम पे यानी ठंड के टाइम पे इनको जब क्रॉप्स ग्रो करने होते हैं, ओके राइट, तो वहां टेम्परेचर इतना कम रहता है, हीट ही नहीं रहता है, तो क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाते। सो व्हाट पीपल आइडियली डू इज कि वो लोग ना कांच का हाउस बनाते हैं, दे मेक ग्लास हाउसेस, और वो ग्लास हाउसेस के अंदर ये सारे गैसेस को रिलीज करके रखते हैं, ओके और ये सारे गैसेस क्या करते हैं ना, जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहा है सनलाइट को आने देते हैं, पर रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेस को वापस जाने नहीं देते, यानी हीट को उस चेंबर के अंदर पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से वहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहता है, विच इज सुटेबल फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो। सो इसीलिए ये ग्लास हाउस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए काम में आता है, इसलिए इसका टाइटल लग गया ग्रीन हाउस। और जो जो गैसेस इंफ्रारेड रेस को पकड़ के रखते हैं उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस में दो ही मेन इंपॉर्टेंट गैस है, दैट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वी हैव ओनली टू इंपॉर्टेंट गैसेस, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एमसीक्यू में पूछते हैं नीट में, याद रखने का ये। मूविंग ऑन, और क्योंकि ये इफेक्ट बार बार हो रहा है इसलिए देखा गया है कि पास्ट सेंचुरी में पिछले 100 साल में अवर अर्थ का टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस एंड दिस हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस स्पेशली इन द पास्ट 3 डिकेड्स, यानी पिछले 30 सालों में ये टेम्परेचर की बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होते ही गया तो इसका क्या साइड इफेक्ट्स आ सकता है अपने प्लैनेट अर्थ पे? नंबर वन, वी कैन हैव क्लाइमेट चेंजेस, अपना वातावरण अचानक से सडनली इधर उधर बदलते रहेगा, ओके राइट। फॉर एग्जाम्पल एल नीनो इफेक्ट, नाउ दिस इज वन इफेक्ट विच इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, नॉट मच इंपॉर्टेंट। दिस इफेक्ट आइडियली इज टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द विंड्स का डायरेक्शन, ओके ओवर पैसिफिक एरियाज। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, इतना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाएंगे, फ्लड्स आने लगेगा, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाएगा, ओके राइट, एंड देयर इज इंक्रीज इन सी लेवल। नेक्स्ट, नाउ हाउ डू वी स्टॉप दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट? वेरी सिंपल, फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, पेट्रोल डीजल ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इंडस्ट्रीज, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, पेड़ को मत काटो, उल्टा पेड़ को लगाओ, ओके रीफॉरेस्टेशन शुड बी प्रमोटेड, एफॉरेस्टेशन शुड बी प्रमोटेड। ह्यूमन पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए, अगर ये तीन बात का ध्यान रखा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वेल नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के लिए स्ट्रेट आई एम कमिंग टू द पॉइंट विदाउट किलिंग टाइम, ओके रिमेंबर द शॉर्टकट ऑफ यूएसजी। मेडिकल फील्ड में कैसे बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, इसी शॉर्टकट को यूज करो। यू यानी अपर, एस यानी स्ट्रेटोस्फीयर और जी यानी गुड ओजोन। अब बात ऐसी है कि अपने अर्थ के आजू बाजू में ओजोन का दो कवरिंग है, ओके यू हैव अ लोअर लेयर ऑफ कवरिंग एंड द अपर लेयर। सो अपने पृथ्वी के आजू बाजू में गैसेस का ना दो कवरिंग है, लोअर कवरिंग एंड अपर कवरिंग, ओके अब शॉर्टकट यूएसजी याद है। अपर लेयर जो है ना उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं और उसमें जो ओजोन है ना वो गुड ओजोन है। अब इसका ऑपोजिट जानेगा, अपर का ऑपोजिट विल बी लोअर, स्ट्रेटोस्फीयर के बदले ट्रोपोस्फीयर एंड गुड ओजोन के बदले बैड ओजोन। सो अपने अर्थ के आजू बाजू में जो ऊपर वाला लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं और उसमें जो ओजोन है दैट इज गुड ओजोन। जो नीचे वाला लेयर है बाद में उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर और उसमें जो ओजोन है उसको बोलते हैं बैड ओजोन। मूविंग ऑन, ओजोन क्या करता है ना, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज और ये अल्ट्रावायलेट रेज आइडियली डैमेजेस अवर डीएनए एंड प्रोटीन, जिसके वजह से जब डीएनए डैमेज होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, यूवी रेज का थिकनेस, ओके ओजोन का थिकनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट डीयू। हमारे अर्थ के आजू बाजू में ओजोन का कितना मोटा थिकनेस है, कितना मोटा लेयर है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। रिमेंबर डॉप्सन यूनिट डी
U. Moving on. Then there is this gas called as CFC, full form chlorofluorocarbon. Sir, ये gas कहाँ से निकलता है? ये gas cooling devices से निकलता है, जैसे air conditioner है, refrigerator है, cooler है. और ये gas क्या करता है ना, ultraviolet rays के साथ react करता है. और react करने के बाद chlorine atoms को release करता है. और ये chlorine atom हमारे ozone को तोड़ देते हैं, degrade कर देते हैं. और ozone को तोड़ने के बाद oxygen release करते हैं. इसीलिए जब जब हम लोग air conditioner, refrigerator, cooler ये सब use करते हैं, तो उसमें से जो CFC gas निकलता है वो ऊपर जाके हमारे ozone की जो परत है, ozone की जो layer है ना, उसको तोड़ते जाता है. और ओजोन एक बार टूटते गया ना, तो क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे धरती तक पहुंचेगा. और ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे धरती तक पहुंचा, ओके, तो ये हमारे धरती पे पहुंचने के बाद डीएनए को डैमेज करेगा. इट कैन कॉज अ स्किन कैंसर. कैसे? लेट अस सी. अब इसका एक लाइव एग्जांपल है. एंटार्कटिक रीजन में ओजोन इतना पतला हो गया है कि ऐसे मान के चलते हैं उधर ओजोन लेयर में खड्डा हो गया है. उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन होल. ओके, टेक्स्ट बुक में ना एक फोटो है, नासा की तरफ से दिया गया है. वो फोटो में पर्पल कलर से ओजोन का थिकनेस दिखाया है. और उस अर्थ के फोटो में अगर हम लोग देखेंगे, यू कैन रिफर इन टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, कि पर्पल कलर इज यूज टू रिप्रेजेंट ओजोन का थिकनेस. और ये ओजोन का थिकनेस एंटार्कटिक रीजन में सबसे कम है, इसलिए उसको ओजोन होल बोलते हैं. और इस तरह का ओजोन होल एंटार्कटिक रीजन में हर साल लेट अगस्त से लेकर अर्ली अक्टूबर में डेवलप होता है. ईच ईयर, हर साल लेट अगस्त से लेकर अर्ली अक्टूबर. ये फोटो के नीचे दिया गया इंफॉर्मेशन है, जो नीट में पूछ सकते हैं. इसको अच्छे से बाय हार्ट करके रखो. मूविंग ऑन, नेक्स्ट. यूवी रेडिएशन जिसका वेवलेंथ इज शॉर्टर देन यूवी बी, यूजुअली ओजोन उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है. पर अगर ये यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ तक आया, देन इट कैन कॉज अ स्किन कैंसर. और हमारे आंखों के ट्रांसपेरेंट कवरिंग, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, उसको भी डैमेज कर सकता है. और वहां पर इट कॉजेज वन डिजीज कॉल्ड एज स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट. कैटरैक्ट को हम लोग हिंदी में मोती बिंदु बोलते हैं. ओके, सो ये स्किन कैंसर और स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट कॉज कर सकता है. और याद रखना, स्नो ब्लाइंडनेस कैटरैक्ट में मोस्टली इट इज गोइंग टू डैमेज कॉर्निया, व्हिच इज मेंशनड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. Moving on, एक इंटरनेशनल मीटिंग रखी गई थी जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है जो कनाडा में है. ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैसा है ना, कि इस मीटिंग में ये लोग ने डिसाइड किया कि भाई हमको ओजोन लेयर को बचाना है. ये मीटिंग हुई थी 1987 में. दिस प्रोटोकॉल, दिस ट्रीटी, ओके, इसके टर्म्स ऑफ कंडीशन, इट वॉज साइंड इन 1987 बट इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1989. इसमें बेसिक एमसीक्यू क्या पूछते हैं? नंबर वन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां हुआ था? कनाडा. नंबर टू, ये मीटिंग किस संबंध से थी? तो ये ओजोन से रिलेटेड थी. नंबर थ्री, व्हेन वाज इट साइंड? सो 1987. एंड व्हेन वाज इट इफेक्टिव? सो यू हैव टू रिमेंबर 1989. वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. ओके, review this video. Each information said by me is MCQ. Okay, so by heart it. Like, comment and subscribe this video. Do not forget, read bio, bleed bio, yo yo bio. Thank you.